अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमें मिलती है। स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वी हैव फाउंड अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अमाइनो एसिड और ये दूसरी अमाइनो एसिड, ये तीसरी अमाइनो एसिड, ये सारी की सारी अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर इस तरह से हमें अरेंजमेंट मिलती है पेप्टाइड बॉन्ड्स की तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सीधी लीनियर पॉलीपेप्टाइड, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दिस स्ट्रक्चर वुड बी नोन व्हाट प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स लीनियर अरेंजमेंट में होंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, वे लीनियर चेन। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर वुड बी कन्वर्टेड इन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी। किस तरह से कन्वर्ट होगी, वेन लीनियर चेन बिकम हेलिकल। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। हेलिकल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां देखें इन द केस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर देयर इज नो एनी हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिस इज अ हेलिक्स मॉलिक्यूल, हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें टू टाइप्स मिलते हैं, अल्फा हेलिक्स मिलता है, ये दिस इज अ अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड मिलता है, दिस इज अ बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में क्या डिफरेंस है, अल्फा हेलिक्स में ये आप देख सकते हैं हेलिकल मॉलिक्यूल है, जस्ट हेलिकल मॉलिक्यूल है, इस तरह से अरेंजमेंट होगी, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन अमाइनो एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड भी होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे, बट इन द केस ऑफ अल्फा हेलिक्स लेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द एग्जाम्पल्स आर ऑफ अल्फा हेलिक्स आर केराटिन, कोलाजन। कम टू द बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड में क्या होगा, बीटा प्लेटेड में, बीटा प्लेटेड में एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे और जो पॉलीपेप्टाइड है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। जिस तरह से फोल्ड करते हैं हम पेज को, जिस तरह से फोल्ड करते हैं, फोल्ड एक पेज को फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे, तीसरा, इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्ड, एक पॉलीपेप्टाइड, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड, दिस इज अ सेकंड पॉलीपेप्टाइड, दिस इज अ थर्ड पॉलीपेप्टाइड, दिस इज अ फोर्थ पॉलीपेप्टाइड। फोर्थ पॉलीपेप्टाइड से किस चीज में है, सेगमेंट्स में, जब इस तरह से अरेंजमेंट होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, बीटा प्लेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बीटा प्लेटेड। इसमें हाइड्रोजन का नंबर बहुत ज़्यादा होगा और इन बिटवीन जो स्पेस होगा, इन बिटवीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो सेवन एंगस्ट्रॉम होगा। सेवन एंगस्ट्रॉम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसका जो डिस्टेंस होगा इन बिटवीन, ये सेवन एंगस्ट्रॉम होगा। दिस इज फोर पॉलीपेप्टाइड्स और दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका एग्जाम्पल है सिल्क प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, इन टर्शरी स्ट्रक्चर सिंगल पॉलीपेप्टाइड वुड बी क्वाइट एंड सुपर क्वाइट। जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड, दिस इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ये हो जाएगी क्वाइट एंड सुपर क्वाइट, पहले क्वाइट करेगी और उसके बाद ये सुपर क्वाइल होगी। जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्वाइल और सुपर क्वाइल हो, इट गिव्स राइज टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। एग्जाम्पल्स आर लाइसोजाइम इज अ नेम ऑफ एंजाइम, प्रोटीन एक्स एज एंजाइम, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, एंड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इट्स अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स। इन दिस वी हैव फाउंड पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसमें हमें पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वी हैव फाउंड मोर देन सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्वाइल एंड सुपर क्वाइल। अगर एक पॉलीपेप्टाइड क्वाइल और सुपर क्वाइल होगी तो इसे हम कहेंगे टर्शरी, और एक किससे ऊपर होगी तो इसे हम कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर,
एक पॉलीपेप्टाइड से ज्यादा होंगे तो इसे हम कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या तो हमें मिलेंगे होमोजीनियस या तो हमें मिलेंगे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इट मींस सेम पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जब हम देखेंगे इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कि जो पॉलीपेप्टाइड है, 3 पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड 5 पॉलीपेप्टाइड, वो सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स सेम हो तो उन्हें कहेंगे हम होमोजीनियस। अगर हेट्रोजीनियस में डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स और जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो उन्हें हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। इस तरह से हमें होमोजीनियस भी मिलते हैं और हेट्रोजीनियस भी मिलते हैं। एनीवे, इन द केस ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वी हैव फाउंड मोर देन सिंगल पॉलीपेप्टाइड, क्वाइल और सुपर क्वाइल होंगे, इट गिव्स राइज टू अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।